पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। फहीम बदायूनी साहब, ठीक है ठीक है, ये आवाज आ रही है? एक मतलब समझ फरमाएं कि इसलिए जा रहा हूँ कोने में, इसलिए जा रहा हूँ कोने में, आंखें शामिल नहीं हैं रोने में, इसलिए जा रहा हूँ कोने में, आंखें शामिल नहीं हैं रोने में। और शेर देखिए कि मैंने उसको बचा लिया वरना, मैंने उसको बचा लिया वरना, डूब जाता मुझे डुबोने में, मैंने उसको बचा लिया वरना, डूब जाता मुझे डुबोने में। एक मतला और एक शेर और देखिए कि इश्क में खुशकशी भी ठीक नहीं, इश्क में खुशकशी भी ठीक नहीं, इतनी संजीदगी भी ठीक नहीं। बहुत खूब। और शेर देखिए कि तुमने नाराज होना छोड़ दिया, तुमने नाराज होना छोड़ दिया, इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं। थोड़ा तुमने नाराज होना छोड़ दिया, बहुत खूब, इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं। एक मतलब और एक शेर के आखिरी बार देखना है उसे, मतलब देखिए आखिरी बार देखना है उसे, फिर लगातार देखना है उसे, आखिरी बार देखना है उसे, फिर लगातार देखना है उसे, वो दवाएं बहुत बताता है, वो दवाएं बहुत बताता है, होके बीमार देखना है उसे। बहुत मुकर्रर सा। एक गजल देखिए कि मेरी आंखों में ये जो पानी है, मेरी आंखों में ये जो पानी है, तेरी आंखों की मेहरबानी है, मेरी आंखों में ये जो पानी है, बहुत उम्दा, तेरी आंखों की मेहरबानी है, सबसे मुश्किल तो वो कहानी है, सबसे मुश्किल तो वो कहानी है जो किसी को नहीं सुनानी है, सबसे मुश्किल तो वो कहानी है जो किसी को नहीं सुनानी है। और एक शेर देखिए कि बंद कर दी है बोलचाल उसने, बंद कर दी है बोलचाल उसने, और मुझे हाँ में हाँ मिलानी है, बंद कर दी है बोलचाल उसने, और मुझे हाँ में हाँ मिलानी है। और शेर देखिए कि थक गया हूँ दिए बनाते हुए, थक गया हूँ दिए बनाते हुए, अब मुझे रोशनी बनानी है, थक गया हूँ दिए बनाते हुए, शुक्रिया, अब मुझे रोशनी बनानी है। और आखिरी शेर देखिए इसका कि डोर कम पड़ रही है और मुझे, डोर कम पड़ रही है और मुझे, उसके घर तक पतंग उड़ानी है, डोर कम पड़ रही है और मुझे, उसके घर तक पतंग उड़ानी है। एक गज़ल के चार पांच शेर और देख लीजिए, और फरहत भाई को पढ़ना है, टाइम कम है, कि किसको आए नज़र हमारा घर, किसको आए, मतलब देखिए किसको आए नज़र हमारा घर, वो बराबर में जब तुम्हारा घर, बहुत किसको आए नज़र हमारा घर,
हो बराबर में जब तुम्हारा घर, और शेर देखिए कि बरसों पहले की एक दस्तक से, बरसों पहले की एक दस्तक से कर रहा है अभी गुजारा घर, बरसों पहले की एक दस्तक से कर रहा है अभी गुजारा घर, एक मेहमान आने वाला है, एक मेहमान आने वाला है, आज दहलीज पे है सारा घर, एक मेहमान आने वाला है, आज दहलीज पे है सारा घर। उसका आखिर शेर देखिए कि वो कभी ठोकरें नहीं खाता, वो कभी ठोकरें नहीं खाता, दे रहा हो जिसे सहारा घर, वो कभी ठोकरें नहीं खाता, दे रहा हो जिसे सहारा घर। अच्छा, वो उस गजल के चार पांच शेर देख लीजिए कि हम तेरे गम के पास बैठे थे, हम तेरे गम के पास बैठे थे, दूसरे गम उदास बैठे थे, हम तेरे गम के पास बैठे थे, बहुत हो दूसरे गम उदास बैठे थे, बस वही इम्तिहान में पास हुए, बस वही इम्तिहान में पास हुए जो तेरे आसपास बैठे थे, बस वही इम्तिहान में पास हुए जो तेरे आसपास बैठे थे। और शेर देखिए कि दोस्तों ने हंसा दिया आकर, दोस्तों ने हंसा दिया आकर, अच्छे खासे उदास बैठे थे, दोस्तों ने हंसा दिया आकर, अच्छे खासे उदास बैठे थे। और आखिरी शेर देखिए कि रात भी जब तुम्हारा फोन आया, रात भी जब तुम्हारा फोन आया, तुम हमारे ही पास बैठे थे, रात भी जब तुम्हारा फोन आया, तुम हमारे ही पास बैठे थे। शुक्रिया। बहुत खूब। मैं रोना चाहता हूँ, खूब रोना चाहता हूँ, और उसके बाद गहरी नींद सोना चाहता हूँ। फरहत एहसास साहब, मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ खैर मकदम करें इनका, आप यहाँ पे करें। बहुत शुक्रिया शम साहब। बगैर कुछ कहे सुने शेर पेश करता हूँ। दो एक मतला एक शेर देखिए कि जो अपने दिल पे मोहब्बत का दाग रखता है, जो अपने दिल पे मोहब्बत का दाग रखता है, चराग से भी ज्यादा चराग रखता है। मिला है अब के एक ऐसा पढ़ा लिखा महबूब जो मेरे दिल के बराबर दिमाग रखता है। जो अपने दिल पे मोहब्बत का दाग रखता है, चराग से भी ज्यादा चराग रखता है। मुझे मिला है एक ऐसा पढ़ा लिखा महबूब जो मेरे दिल के बराबर दिमाग रखता है। अब इसमें एक शेर और है, थोड़ा सा मुश्किल होगा शायद, मैं बता दूंगा। हर एक लहजा लहजा पल, हर एक लहजा जो आते हैं ताज़ा फूल उस पर। अब यहाँ ये लहजा आते हैं, यहाँ पल भी कह सकते थे, लेकिन थोड़ा सा अनुप्रास लाभ उठाने के लिए, हर एक लहजा जो आते हैं ताज़ा फूल उस पर, पसे बदन वो कहीं कोई बाग रखता है। हर एक लहजा जो आते हैं ताज़ा फूल उस पर, पसे बदन वो कहीं कोई बाग रखता है। शेर है कि वो अक्लमंद कभी जोश में नहीं आता, गले तो लगता है आगोश में नहीं आता। वो अक्लमंद कभी जोश में नहीं आता, गले तो लगता है आगोश में नहीं आता,
नशे में धुत किए रखते हो मुझको आठों पहर और उस पे कहते हो मैं होश में नहीं आता। नशे में धुत किए रखते हो मुझको आठों पहर और उस पे कहते हो मैं होश में नहीं आता। और ये शेर इसमें एक लफ्ज़ है पापोश, जिसे जूता या चप्पल जो होती है उसे कहते हैं। तो इसमें एक है पहलू, मुझे यकीन बहुत था मगर गलत निकला, मुझे यकीन बहुत था मगर गलत निकला कि आबला कभी पापोश में नहीं आता। मुझे यकीन बहुत था मगर गलत निकला कि आबला कभी पापोश में नहीं आता। ये सामने मुझको बिठा कर मेरी तस्वीर न खींच, सामने मुझको बिठा कर मेरी तस्वीर न खींच, देख वैसी हूँ बहुत मैं मेरी जंजीर न खींच। सामने मुझको बिठा कर मेरी तस्वीर न खींच, देख वैसी हूँ बहुत मैं मेरी तस्वीर न खींच। अक्सर कहीं जब कोई हंगामा होता है, कोई मारकाट मची होती है, तो हम दो लफ्ज़ सुनते हैं, एक नारे तकबीर और एक हर घर महादेव। ये दोनों मज़हबी नारे हैं। जो तो यहाँ पर नारे तकबीर का एक इंटरप्रिटेशन है, इससे बंदों की बड़ाई का गुमा होता। नारे तकबीर की मतलब अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो शेर यह है कि इससे बंदों की बड़ाई का गुमा होता है, इस तकबुर से भी अब नारे तकबीर न खींच। इससे बंदों की बड़ाई का गुमा होता है, इस तकबुर से भी अब नारे तकबीर न खींच। अब ये तीन शेर है हमारे यहाँ। असल में लैला मजनू का जिक्र बहुत होता है, हीरी फरहाद का बहुत होता है, लेकिन हमारे पंजाब की एक प्रेम कथा है जो रांझा और हीर की है। तो मैं तीन शेर हैं, तीन अलग अलग शेड्स हैं, वो आपको सुनाना चाहता हूँ रांझा और हीर का। तो इसमें एक शेर और एक शेर, दो दो शेर के हैं। यह है कि निकला कमाने चश्म से और तीर सा गया, आँखों की कमान, निकला कमाने चश्म से और तीर सा गया, वो ख्वाबे इश्क हूँ कि जो ताबीर सा गया, वो ख्वाबे इश्क हूँ कि जो ताबीर सा गया, उसकी किसी सदा का भी आता न था जवाब, उसकी किसी सदा का भी आता न था जवाब, रांझा फिर अपनी हीर के घर हीर सा गया, उसकी किसी सदा का भी आता न था जवाब, रांझा फिर अपनी हीर के घर हीर सा गया। और ये दो शेर देखें कि देखते क्या ख्वाब जब ताबीर पहले देख ली, देखते क्या ख्वाब जब ताबीर पहले देख ली, हम भी क्या चालाक थे जंजीर पहले देख ली, देखते क्या ख्वाब जब ताबीर पहले देख ली, हम भी क्या चालाक थे जंजीर पहले देख ली, हम भी रांझा की तरह आशिक बहुत थे हीर के, उसकी किस्मत थी कि उसने हीर पहले देख ली, हम भी रांझा की तरह आशिक बहुत थे हीर के, उसकी किस्मत थी कि उसने हीर पहले देख ली। और ये शेर है कि इसमें बारिश शाह, बड़ा दूसरे बार में कहूँगी, तो टूटा ख्वाबे मुश्तरक, ख्वाबे मुश्तरक मतलब कॉमन ड्रीम, साझा ख्वाब, टूटा ख्वाबे मुश्तरक, तामीर आधी रह गई, दोनों आँखों में अलग ताबीर आधी रह गई, और बन न पाया हीर रांझा, अब भी रांझा है बहुत। ये हीर जो हरीश शाह की हीर है, उसमें हीर ये कहती है कि मैं रांझा रांझा कहती थी, मैं आप पे रांझा हो गई। तो वहाँ हीर को पूरा रांझा में गुम होता हुआ दिखाया गया, लेकिन रांझा को हीर में गुम होता हुआ नहीं दिखाया गया। तो
तो अब का जो मामला है वो ये है कि बन न पाया हीर रांझा, अब भी रांझा है बहुत, देख वारिस शाह तेरी हीर आधी रह गई। बन न पाया हीर रांझा, अब भी रांझा है बहुत, देख वारिस शाह तेरी हीर आधी रह गई। बहुत शुक्रिया।